नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं विंडो एक्सपी। तो विंडो एक्सपी क्या है, या मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहीं पर आपको बताता हूं कि विंडो एक्सपी है क्या चीज़। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अब सीखते हैं विंडो एक्सपी एंड विंडो 7 या विंडो 10 के बारे में। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए और आज का मेरा अध्याय है विंडो एक्सपी। तो विंडो एक्सपी क्या है दोस्तों, इसको मैं पढ़ते में और आपको मैं बताता हूँ। विंडोज पी क्या कह रहा है, विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विथ आउट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कंट्रोल वर्क। विंडो इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, एल्दो यू स्टिल यूज द कीबोर्ड एंड द माउस बिकम द प्राइमरी टूल्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि विंडो एक्सपी एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप कंप्यूटर आप परचेज करने जाइए तो कंप्यूटर दो तरह के मिलते हैं, एक असेंबल से भी आप परचेज कर सकते हैं और एक ब्रांडेड मिलता है। जब आप ब्रांडेड लीजिएगा तो आपको पहले वो क्या करेगा, ब्रांडेड मतलब क्या होता है, पूरा कंप्यूटर एक तरह से वो फिट करके यानी कि पूरा पार्ट्स को जोड़ के वो पहले से ऑलरेडी रखता है। अब जब असेंबल लीजिएगा तो आपका मनपसंद वो कहेगा कि आप हार्ड डिस्क कितना जीबी लेना चाहते हैं, रैम कितना जीबी लेना चाहते हैं, प्रोसेसर कौन सा लेना चाहते हैं। और उसके बाद जब पूरा जब हो जाएगा तब आपको बोलेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आप इंस्टॉल करवाइएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले विंडो एक्सपी चलता था, उससे पहले विंडो 3.11 चलता था, तो आपको कहेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लेना है। तो अगर आप कंप्यूटर सीखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहिए, कौन सा अभी चल रहा है। तो मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि आपको वो बोलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडो एक्सपी चाहिए, विंडो 8 चाहिए, 7 चाहिए या 10 चाहिए। तो कहने का मतलब है वो पहले से वो इंस्टॉल करके नहीं रखता, आपको आपके से पूछता है। कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले वो क्या करता है, जितने भी कीबोर्ड माउस आपका प्रिंटर या पेन ड्राइव सबको ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल करके रखता है, वही आपको चलाता है, उसी को हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तब आपको कीबोर्ड माउस और ये प्रिंटर काम करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल रहेगा तो ये सब काम नहीं करेगा। जितने भी टूल्स होते हैं, जितने फास्ट होते हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल होता है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्जन ऑफ विंडो। तब वर्जन क्या होता है, वर्जन मतलब पीढ़ी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 3.11 आता है, उसके बाद विंडो 95, उसको 98, फिर उसके बाद विंडो एक्सपी और विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम 3.11 आता था। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम 3.11 आया था तो उसके बाद जो विंडो 95 और 98 आया, तो उसके बाद विंडो एक्सपी बहुत दिन तक विंडो एक्सपी यूज हुआ। उसके बाद अभी मार्केट में विंडो 7 चल रहा है, उसके बाद विंडो 10 भी चल रहा है और अभी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 अभी अवेलेबल है मार्केट में। तो आपसे कोई ये पूछता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करना है, डेस्कटॉप आ जाना है, यहाँ पे माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चल जाना है। आज जैसे प्रॉपर्टी में जाएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो 7। तो ये क्या होती है दोस्तों, कहने का मतलब है कि 3.11 जो विंडो जो थी उसमें कुछ न कुछ कमियाँ रह गई थी, तो विंडो 95-98 करके दूर किया। उसके बाद इसमें भी कुछ दिक्कत था, तो विंडो एक्सपी मतलब आया और उसके बाद विंडो 7 अभी यही ज़्यादातर मार्केट में चल रहा है विंडो 7। तो इसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम था तो इसलिए विंडो 10 टकराया। कहने पर कंपनी क्या करती है, वो कुछ न कुछ अपडेट करती रहती है, कुछ नया नया उसमें कुछ जोड़ते रहती है और उसके बाद वर्जन को नाम को चेंज कर दीजिए। जिस तरह से आप जनरेशन जानते हैं, कंप्यूटर जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसी प्रकार से जनरेशन एक तरह से बदलते रहता है, मतलब उसके कुछ न कुछ उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डोल इंस्टॉल करके नया फिर एक वर्जन को नाम दे देता है। ये विंडो 10 अभी अवेलेबल है,
तो ये एक कुछ दिन तक बात रहेगा, फिर इसके बाद आगे कुछ और आपको वर्जन आ जाएगा दोस्तों। अब मैं ये कहूँ कि जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करवाते हैं तो जितना भी सब जो आइकन है ये आपको इंस्टॉल करके नहीं देता है, वो सब आपको मन पसंद, जैसे आप कोई मोबाइल परचेज कीजिएगा तो आपको उसके उसके अलावा भी ऐप आपको अलग से प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब उसी इंस्टॉल करना पड़ेगा मनपसंद आपको कोई ऐप है। उसके आगे हम लोग आते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या कह रहा है, ये रेक्टेंगल एरिया इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ये पूरा को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ये पूरा को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ये सब को पूरा को आइकन बोलते हैं। आइकन तो कहने का मतलब ये सब आइकन का अपना अपना का काम है, अपना अपना महत्व है। कि आपको जिस तरह से मैं आपको मोबाइल में कहूँगा कि आप कॉन्टैक्ट में जाइए तो आप कॉन्टैक्ट वाला जो इस तरह से आइकन वाला को सेलेक्ट करके उसमें जाकर नंबर ढूंढते हैं, मैं ये कहूँगा कि एक मैसेज किए हैं आज तो मैसेज चेक कीजिए, तो आप मैसेज वाला बॉक्स में जाकर इनबॉक्स में जाकर ढूंढिएगा। उसी प्रकार से सबका आइकन का अलग अलग काम अलग महत्व है, तो मैं इसको से बारी बारी आगे मैं आपको बताते रहता बताऊँगा। उसके बाद देखिएगा डेस्कटॉप पर माय डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये फोल्डर, ये डेस्कटॉप, ये सारे चीज़, ये टास्क बार, क्लॉक, तो देखिएगा पूरा को आइकन बोलते हैं। और एक न्यू फोल्डर, इसको हम लोग न्यू फोल्डर बोलेंगे। और नीचे को टास्क बार बोलते हैं, ये नीचे पट्टी को टास्क बार, यहाँ पर क्लॉक घड़ी है, ये सब स्पीकर, ये सबको ये पूरा को डेस्कटॉप बोलेंगे, नीचे वाला का टास्क बार बोलेंगे, ये सबको आइकन बोलेंगे। तो सब आइकन का अपना अपना काम है, हर आइकन का अपना अपना उपयोग है, आपको जो आइकन का जो आपको काम है उस हिसाब से आप उसको यूज करते हैं, उसको आप काम करते हैं। तो हम हर आइकन का अपना अपना यूज करके अब मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखला रहा हूँ। तो देखिएगा डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माई डॉक्यूमेंट, स्टार्ट मेनू और टास्क पर एंड क्लॉक, यहाँ देखा स्टार्ट मेनू, ई टास्क बार, ई क्लॉक, इतना सारे है। तो सबसे पहले माई, इस पर सबका आइकन का अपना अपना काम है, इस सबको आइकन बोलते हैं, इस सबका अपना अपना ऐप है, ये सबका काम क्या क्या काम है अब इस यूज करके मैं आपको दिखलाऊंगा। सबसे पहले माई डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक ना, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है कि माई डॉक्यूमेंट इज ए डेस्कटॉप फोल्डर, यानी कि माई डॉक्यूमेंट जो होती है डेस्कटॉप एक फोल्डर की तरह आइकन बना होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डैट provides the stored documents, graphics and other file when you save a file in the program, file automatically save in my computer। इसका मतलब होता है कि my document क्या है, एक तरह से save करने के store करने की जगह है। आप कोई भी चीज़ आप save करते हैं तो my document में आप save कर सकते हैं। तो हम लोग एक my document में save करके आपको मैं दिखलाऊंगा कि कैसे save किया जाता है। तो जिस तरह से मैं एक पेंट क्या करते हैं, फिर मैं पेंट खोला और यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले क्या करें, कोई ड्राइंग्स बनाएंगे, कोई चित्र बनाएंगे, ठीक है ना, कोई चित्र बनाएंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, एक तरह से यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिखा, इसको मुझे सेव करना है। तो सेव में जाएंगे और सेव में जाने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ देखिएगा माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, देखिए माय डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सेव करेंगे तो इस तरह से भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमने जी लिखा तो जी के नाम से सेव कर दिया, यहाँ पर फाइल चूज कर लिया और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो क्या हुआ कि माय डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो गया। अगर हमको ढूंढना होगा तो माय डॉक्यूमेंट्री वाला खोल के हमको ढूंढेंगे तभी वो फाइल को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक यहाँ पर और दिया गया, फाइल ऑटोमेटिकली सेव द माई डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है जब एक बार माई डॉक्यूमेंट में आप सेव कर दीजिएगा तो आपको वो बार बार माई डॉक्यूमेंट में ही सेव हो जाएगा। जैसे कि मतलब यहाँ पे मैं कुछ क्लिक किया और मैं जब सेव करूँगा तो देखिए कि माई डॉक्यूमेंट हमेशा लगा हो रहा था, यहाँ पर चेंज करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट कोई नाम दीजिए, सेव पर क्लिक कर कीजिएगा तो माई डॉक्यूमेंट में ही जाकर आपको चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर क्या है इसके बारे में पढ़ते बताते हैं। क्या कह रहे हैं माय कंप्यूटर एलवेज यू टू सी द कंटेंट स्टोरेड
ऑन योर कंप्यूटर इट डिस्प्ले ऑल द ड्राइव्स, माई कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट, लोकल डिस्क सी डी ई एफ एंड डाटा कट कॉपी पेस्ट। अब जिस तरह से माई डॉक्यूमेंट भी सेव करने के लिए जगह है, उसी तरह से माई कंप्यूटर में भी सेव करने के लिए जगह है, लेकिन माई कंप्यूटर में डिवाइडेड है, यानी कि डिवाइडेड बोल रहा है, मतलब सेव करने के डिवाइडेड है, जैसे सी डी ई एफ है, रूम बाय रूम डिवाइड कर दिया है। तो हम कैसे सेव करेंगे, ये भी सेव करने के लिए जगह है। तो फिर से मैं यहाँ पर मैं आऊँगा और फिर से मैं कोई हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हम ओपन में जाएंगे, कोई चित्र वगैरह, कोई मैं पिक्चर वगैरह यहाँ पर फिर से मैं ले लेता हूँ, मैं पिक्चर ले ली, अब मुझे इसको सेव करना है। तो अब हम देखिए यहाँ पर आएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे सेव ऐप पर क्लिक करेंगे, जैसे सेव ऐप पर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे, देखिएगा माय कंप्यूटर में, तो देखिए यहाँ पर आ गया सी डी ई। तो इसमें से आप देखिए सी में कभी नहीं सेव करेंगे, क्यों नहीं सेव करेंगे सी में, या मैं आपको बताता हूँ सी में क्या होता है। सी में एक तरह से कंप्यूटर का सारा डाटा रहता है, वो सॉफ्टवेयर का डाटा रहता है। कहने का मतलब है जब सी में कोई डाटा आप सेव कर दीजिएगा, जब कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, सी को फॉरवर्ड मार देते हैं और फॉरवर्ड मार कर सी को इंस्टॉल करते हैं। तो जब फॉरवर्ड मारा जाएगा तो सारा फाइल को डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम सी में कभी नहीं सेव करेंगे। सी में एक तरह से कंप्यूटर का इंजन है, वहाँ पर कैसे कहते हैं कि आपको कोई आप जहाज है, कोई आप रेल का इंजन है, तो आपको रेल के इंजन में आपको जाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, आपको डब्बे में जाकर बैठना है, इंजन में खतरा होता है। उसी प्रकार से सी तरह से क्या है, एक इंजन है, उसमें आपको नहीं जाना है, यानी कि उसमें नहीं खोलना भी नहीं है। तो आपको डी में ही जाना है, डी में या ई में जाकर सेव करना है। तो ई डी सी ई क्या है, ये कंप्यूटर के एक डिवाइडेड कर दिया है, ये आपको सुरक्षित करने के लिए कि डी में सेव कीजिएगा तो कंप्यूटर खराब भी हो जाएगा तो आपको फाइल सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आके यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको डी वाला फोल्डर खुल गया। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ फोटो, तो फोटो के नाम से यहाँ सेव कर देंगे। तो देखिए ऊपर डी आ गया, लोकल डिस्क किस में सेव कर रहे हैं, तो लोकल डिस्क डी में सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम क्लिक करके सेव पर क्लिक कर दिए। अगर हमको देखना होगा तो आप डायरेक्ट माई कंप्यूटर खोलिएगा और डी को ओपन करेंगे, देखिए फोटो। अगर आप डी में सेव कर दिए हैं, आप चाहते हैं कि हमको ई में सेव करना था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर राइट क्लिक करके कट कर दीजिए। कट करने के बाद फिर डी वाला ओपन कीजिए और इस पर क्या करके सेव कर दीजिए। तो कट कॉपी पेस्ट से भी आप सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपना रूम में, जैसे आपके घर में रूम में आप बेडरूम है, आप वहाँ पर कोई चीज़ रख दिए, किचन में लेके जाना है, तो वहाँ से आप उठा के उसमें आप रख सकते हैं। उसी तरह से कट कॉपी का हम लोग उपयोग इसी प्रकार से करते हैं। तो हम लोग माय डॉक्यूमेंट और माय कंप्यूटर के बारे में हम लोग अभी जाने, ठीक ना, आगे हम लोग सीखेंगे रिसाइकिल भी। तो अगर आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।